शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत आपका। जी, इतना बड़ा शहर में इतना शहर में इतना है और इतना सुकून का, इतना खूबसूरत और इतना साफ सुथरा। मैं अंदर से ले लेता हूँ। का मैं यहाँ बरेली शहर में सबका मैं स्वागत करता हूँ। 40 सालों बाद मैं आया हूँ यहाँ बरेली में, और मेरा 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 ये भाग्य है कि हमें हजरत का दर्शन हुए यहाँ पे, और इनके इनकी मेहरबानी की इन्होंने कबूल कर ली मेरी रिक्वेस्ट देने के लिए। क्योंकि जनरली क्या है, मैं देखता हूँ पर्दा नशीन होते हैं ये लोग, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। उम्मीद नहीं होगी कि बरेली में, देखिए हमने दो चीज़ें सुनी हैं बरेली की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एक तो बरेली में आते हैं तो दो चीज़ें जहन में आ जाती हैं, एक तो बरेली का सुरमा और दूसरा आता है झुमका गिरे रहे बरेली के बाजार में। मगर एक तीसरी चीज़ भी आती है, आपने सुना होगा देवबंदी और बरेलवी। तो मैं मौलाना साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं दो शब्द, बाकी हम इसके जो वीडियो फिर आपके लेंगे वो हम बना ही लेते हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें कुछ? देखिए, बरेली की जो पहचान है जी, और वही छुपी हुई है, वही तो उजागर करनी है जी दुनिया के सामने, क्योंकि ये सूफी संतों का स्थान है जी, और ये खानकाहें हैं, अमन, भाईचारा, इंसानियत, गंगा जमनी तहजीब, यही खूबी है और यही दुनिया को जरूरत है जी। जी, मजहब अपनी जगह, अकीदा, नजरिया, विचारधारा अपनी है, मगर इंसानियत बुनियाद है। नहीं तो कैसे उजागर होगी, हमें तो हम तो वही कर रहे हैं। हमारी कमी ये रही जी कि हमारे यहाँ कोई जराए नहीं है जी, ये दुनिया की पहली खानकाह है, दुनिया की पहली खानकाह है जी, नोट करिएगा इसको जी, दुनिया की। चंदा नहीं, हाँ, ट्रस्ट नहीं जी, वक्फ नहीं, हाँ, किसी का आगे हाथ फैलाना नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट से एडेड हो ना, गवर्नमेंट एडेड है ना, वक्फ है ना, चंदा है ना, डोनेशन बॉक्स है। और इतनी बड़ी है जो रियासत आपकी, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, और ये सब ये हम लोग जो हैं जी ख्वाजा अरिफ नवाज के रूहानी उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, पहला कड़ी हिंदुस्तान में जी गरीब नवाज, आखिरी रूहानियत की हमारे बुजुर्ग। अच्छा, नहीं तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। बरेली शहर को बरेली शरीफ इन्हीं की वजह से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ नफरत नहीं, भेदभाव नहीं, जब खूबियां जो भी हैं वो सूफियों के यहाँ जो मिलना, जो गंगा जमनी तहजीब है वो चलिए, इसीलिए देन है जी। यहाँ की जो हिंदुस्तान की कल्चर है, तहजीब है, इंसानियत है, मोहब्बत है, और इस्लाम की रूह है, वो खानकाह में नहीं, जो प्रैक्टिकल जी जी जी, जो थ्योरी हर जगह हो जाता है कि किताबों में न लिखा है, ये लिखा है जी, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं कहा है, अमल का क्या कर रहे हैं हम जी, ये लोगों का इससे रूहानी, जिस्मानी, जहनी सुकून तब मैसर होता है जो इस पे अमल करके दिखाया जाए। देखिए, हमारे जो गुरु जी महाराज थे, उनके जो गुरु थे मुस्लिम थे, और वो कहते थे तीन चीजें जो सूफी की होती है, इल्लत, जिल्लत और किल्लत। किल्लत, अगर तीन चीजें नहीं है जी, तो सूफी नहीं, सूफी है नहीं, बिल्कुल वो है, रूह की गजा है, ये रूह की गजा तो खत्म हो गई है। मलामत दुनिया जी, जिल्लत जो कह रहे हैं, जिसको इल्लत, जिल्लत, किल्लत जी, के मलामत दुनिया जो है रूह की गजा है, जब जो आदमी बड़ा होगा वही तो कबूल करेगा, कबूल करेगा, वरना तो जो उसकी बुराई है, अगर किसी से कह दिए काने हैं तो चढ़ बैठेगा, जबकि काना नहीं है, आंखों वाला है। मगर सूफियों ने कहा है जो भी जो दिख रहा है उसको हमें क्या मतलब, हमें वही, हम अपना अमल वही रखें, वही चीजें। मैं अब थोड़ा मैं जाके वहां से, हाँ बिल्कुल, आप करिए, आपका जो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत है, आप आए और कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, खानकाह हर किसी को के लिए खुली हुई है जी, जी। और आलम पना है, ये पूरा दुनिया के अंदर कोई